तो हेलो स्टूडेंट्स, आज हम दूसरी वीडियो लेके आए हैं। इसमें रेडियल प्रोबेबिलिटी डेंसिटी के ग्राफ्स करेंगे। कल हमने जो ग्राफ देखे थे वो साई बाय आर के, तो आज है साई स्क्वायर बाय आर। तो दोनों के ग्राफ्स में ज़्यादा कोई अंतर नहीं है। पहला अगर हम बात करें, कल वाले जो ग्राफ्स हमने किए थे वो थोड़ा सा रिकैप्चुलेशन कर लें। ये साई बाय आर ग्राफ में हमने क्या देखा, पहला पॉइंट जो हमने देखा है कि ये पॉजिटिव डायरेक्शन और ये नेगेटिव डायरेक्शन दोनों में ये मूव कर सकते थे। दूसरा जो पॉइंट हमने इस ग्राफ में देखा है वो नोड n माइनस l माइनस 1, ये आपने निकालनी है। थर्ड पॉइंट जो हमने देखा है s के जो ऑर्बिटल के हमारे पास मैक्सिमम से शुरू होके p और d ऑर्बिटल्स के जो ग्राफ्स हैं वो मिनिमम से शुरू हुए, बस यही डिफरेंट इनके पॉइंट्स है, बाकी कोई ऐसा कोई डिफरेंस है नहीं। आज हम करेंगे ये वाला साई स्क्वायर बाय आर। तो चलिए ज़्यादा टाइम ना लगाते हुए हम इधर शुरुआत करते हैं। तो देखो बच्चों, रेडियल प्रोबेबिलिटी डेंसिटी मतलब साई बाय आर इस तरह से कल हमने किया है साई बाय आर का, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, सिर्फ और सिर्फ ये साई स्क्वायर बाय आर। तो साई स्क्वायर के ग्राफ्स के लिए पहले पॉइंट हम नोट डाउन कर लें। जो पहला पॉइंट है हमारे पास वो फर्स्ट पॉइंट है, ये सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव डायरेक्शन में ही रहेगा, ये हमेशा पॉजिटिव डायरेक्शन में ही रहेगा, इसमें नेगेटिव डायरेक्शन नहीं होगी। दूसरा पॉइंट आपने क्या याद रखना है, जब कभी भी ये ग्राफ बनाएंगे तो आपने पिछली जो साई स्क्वायर बाय आर, यहाँ पे एन माइनस एल माइनस वन, साई स्क्वायर बाय आर और साई बाय आर दोनों के रेडियल नोड्स सेम है। तीसरा पॉइंट आपने याद रखना है वो ये एस ऑर्बिटल, जो एस ऑर्बिटल है वो मैक्सिमम से शुरू होगा, ये भी मैच कर रहा है साई बाय आर से। पी डी ऑर्बिटल, ये जो पी डी ऑर्बिटल्स हैं ये शुरू करेंगे बेटा मिनिमम, बस ये हमारे पास पॉइंट्स है। और एक मैं यहाँ पे रेड कलर से लिख रहा हूँ और इसको आपने बहुत अच्छी तरह से दिमाग में रखना, इनके जितने भी कर्व्स होंगे, कर्व्स ऑलवेज ऑलवेज डिक्रीजिंग, ये हमेशा जो कर्व्स हैं वो डिक्रीजिंग होंगे हमेशा। बस ये अगर आप चार पॉइंट्स याद रख लो तो आपको रेडियल प्रोबेबिलिटी डेंसिटी के ग्राफ के कोई भी तरह के ऑर्बिटल्स आ जाए आप निकाल लेंगे, 1s आ जाए, 2s आ जाए, 3p, 4d कुछ भी आ जाए, तो ये आप एक बार नोट डाउन कर लीजिए। तो अब हम पॉइंट्स याद रखने के बाद, ये पॉइंट आप नोट डाउन कर लिए, अब हम चलिए ग्राफ बनाने के लिए यहाँ पे एग्जांपल्स लेते हैं। सबसे पहले हम एग्जांपल 1s ऑर्बिटल की लेने लगे, 1s ऑर्बिटल। अब 1s ऑर्बिटल का ग्राफ कैसे, सबसे पहला पॉइंट आपने क्या करना है, इसमें नोड निकाली, नोड कौन सी, रेडियल नोड n माइनस l माइनस 1, तो n इसमें कितना है 1, l कितना है 0 माइनस 1, तो इसकी जो नोड आ गई वो आ गई 0। तो क्या ग्राफ कैसे बनेगा चेक करिए, में जो ग्राफ बनेगा 1s का वो आएगा साई स्क्वायर आर, और नोड तो यहाँ पे कोई है नहीं और s ऑर्बिटल है, इसको हम इधर से शुरू करेंगे और ये सेम ग्राफ जो कल हमने साई बाय आर का किया, तो ये किस डायरेक्शन में रहा, ये पॉजिटिव डायरेक्शन में रहा। दूसरा ग्राफ हम यहाँ पे बनाने लगे, दूसरा देखिए 2s ऑर्बिटल, 2s ऑर्बिटल का तो वो किस तरह, इसमें आप नोड निकालिए n माइनस l माइनस 1, तो n कितना है 2, l कितना है 0 माइनस 1, तो नोड आ गई 1। अब नोड 1 है तो क्या हम करेंगे, इधर देखिए नोड 1 है तो किस तरह से चलेगा, ये आ गया साई स्क्वायर, ये आ गया r, तो नोड देखिए याद रखना है इसकी स्लोप डिक्रीजिंग है, मतलब यहाँ से शुरू होगा और
ये ऐसे, इसकी स्लोप ऊपर से देखो ये नीचे, और ये जो पॉइंट है, ये वाला जो पॉइंट है दिस वन, इसको हम एक और लिखे, ये दिस पॉइंट इज नोड, ये जो सिंगल नोड आई है वन, तो ये वाली हमारे पास नोड शो हो गई ग्राफ में। तो इस तरह से आज आपने ये अभी दो एग्जांपल्स देखी हैं, 1s ऑर्बिटल की और 2s ऑर्बिटल। तो अब हम 3s ऑर्बिटल की एग्जांपल देंगे। 3s ऑर्बिटल, उसके बाद p की, फिर d की हम एग्जांपल्स देंगे। तो चलिए अब हम एग्जांपल देने लगे हैं 3s ऑर्बिटल की। 3s ऑर्बिटल, तो 3s ऑर्बिटल में आप रेडियल नोड देखिए, रेडियल नोड n माइनस एल माइनस वन, तो n कितना है 3, माइनस l कितना है 0 माइनस वन, तो ये क्या आ गया 2, टू नोड्स हैं। अब तो टू नोड्स के लिए हमारे पास ग्राफ कैसे बनेगा, देखिए लेंथ भी, जो ग्राफ की लेंथ है वो n माइनस एल माइनस वन बताता है, ये देखिए ये आ गया। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे टू नोड्स हैं, मैक्सिमा से शुरू किया एस है, तो ये आ गई एक नोड, आ गई दूसरी नोड, और ये ऐसे, इसको थोड़ा सा आगे, इसको आपने जोड़ना नहीं। अब देखिए जो स्लोप है वो डिक्रीजिंग है, पॉजिटिव पॉजिटिव और पॉजिटिव, ये पॉजिटिव साइड पे ही रही। तो इस तरह से आपने 3s ऑर्बिटल की जो ग्राफ है साई स्क्वायर बाय आर का देख लिया। अब चलिए पी का हम देखें, पी ऑर्बिटल के ग्राफ किस तरह से बनेंगे, और डी का भी साथ में देख लेंगे। चलिए रैंडमली कोई एग्जांपल पिक करते हैं, जैसे हम बात करें 4p ऑर्बिटल की, 4p ऑर्बिटल, और इधर हम लेंगे जी 4d ऑर्बिटल। चलिए 4p और 4d ऑर्बिटल किस तरह से, सबसे पहले हम इनकी रेडियल नोड निकालें। रेडियल नोड का फार्मूला n माइनस l माइनस वन, फार्मूला याद रखना है आपने, n इज प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, l इज एजीमुथल क्वांटम नंबर। तो ये आ गया 4 माइनस एल कितना है 1 माइनस वन, तो इसमें जो नोड्स आ गई वो आ गई टू नोड्स, ये टू नोड्स हैं। अब रेडियल नोड्स यहाँ पे n माइनस एल माइनस वन, तो कितना आएगा 4 माइनस एल 2 माइनस वन, तो हमारे पास 2 माइनस वन मतलब 1, ये 1 नोड आ गई हमारे पास। तो चलिए इनकी ग्राफ्स किस तरह से होंगी वो हम देखने लगे हैं, चेक करिए। ये दिस इज साई स्क्वायर आर, और ये भी साई स्क्वायर आर। तो चलिए बनाएं, देखिए किस तरह से होगा। पी है, पी का मैंने आपको बताया जब कभी भी पी ऑर्बिटल होगा तो वो मिनिमम से शुरू होगा, तो इधर से शुरू होगा, टू नोड्स हैं, चेक करिए या गई एक नोड, या गई दूसरी नोड, और ये इस तरह से ग्राफ आगे मूव करेगा। तो आप चेक करिए स्लोप डिक्रीजिंग है, ये पॉजिटिव साइड रहा, पॉजिटिव साइड रहा, और पॉजिटिव साइड रहा, और ये वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट, ये आ गई नोड, और ये भी आ गई नोड। तो इस तरह से टू नोड्स हमने देख ली हैं। अब हमारे पास 4d ऑर्बिटल का, इसमें 1 जो नोड है, तो इधर ये मिनिमम से शुरू होगा क्योंकि d का है। अब देखिए 1 और ये 2, दो स्लोप आ गई और एक नोड आ गई, और ये स्लोप कहाँ पे रही, पॉजिटिव साइड पे। तो इस तरह से आपने 4p ऑर्बिटल और 4d ऑर्बिटल के भी दोनों ग्राफ्स देख लिए। पॉइंट्स कौन कौन से रिमेंबर आपने रखने हैं, एक तो पॉजिटिव साइड पे होंगे, दूसरा स्लोप डिक्रीजिंग होगी,
और तीसरा इसकी जो लेंथ है ग्राफ की वो एन माइनस एल माइनस वन पे डिपेंड करेगी। अब आगे वेरियस ऑर्बिटल्स लेके हम एग्जांपल्स करेंगे कैसे होगा फर्दर। कोई भी आपके पास जो ऑर्बिटल आ जाए, तो जैसे हम एग्जांपल लेंगे फोर फोर की, हमने फोर एफ नहीं लेंगे, अब फर्दर एग्जांपल्स लेंगे सभी जितने में हमने किए हैं। जैसे हम 5s की एग्जांपल लें, 5s ऑर्बिटल, इसी तरह से 5p ऑर्बिटल, 5p ऑर्बिटल और 5d ऑर्बिटल। तो इन ऑर्बिटल्स के सभी के हम ग्राफ कौन से, साई स्क्वायर बाय आर, इनके जो ग्राफ्स बनाएंगे वो साई स्क्वायर बाय आर के। बड़ा इजी हो चुका है, अब कोई दिक्कत वाली बात है ही नहीं। तो पहले हम चलिए 5s ऑर्बिटल के रेडियल नोड देखें। रेडियल नोड n माइनस एल माइनस वन क्या आ जाएगा, 5 माइनस 0 माइनस 1। इस वीडियो के बाद आप कोई भी साई स्क्वायर आर या साई बाय आर इनके ग्राफ को बना पाएंगे। किसी भी तरह का ऑर्बिटल आ जाए आपको कोई चिंता करने की जरूरत नहीं। अब आप चेक करिए ये वाला ग्राफ साई स्क्वायर आर, ये साई स्क्वायर बाय आर, एंड याद रखिए एनसीईआरटी में इसको आर स्क्वायर बोला हुआ है, आर स्क्वायर बाय आर। तो कोई टेंशन वाली बात नहीं, दोनों सेम ही है। ये सिग्निफिकेंस साई स्क्वायर में आपको पता है प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन्स इन फ्री स्पेस। तो होगा क्या, इसमें भी एस है जी, बड़ी जल्दी आप पॉइंट दिमाग में रखिए और निकलता जाएगा। अब देखिए यहाँ पे इधर से शुरू करते हैं, आप थोड़ा इसे यहाँ पे लेंथ में रखिए क्योंकि फोर नोड्स हैं। ये आया मैक्सिमम से, वन टू थ्री और ये फोर, यहां पे टच नहीं करवाना आपने। देखिए अब चेक करिए नोड कौन कौन सी है, एक नोड, ये दूसरी नोड और ये तीसरी नोड, अभी एक और नोड बन जाएगी, ये यहां पे ये आ गया हमारे पास फोर्थ नोड। तो टोटल चार नोड्स आ गई, पॉजिटिव पॉजिटिव साइड, पॉजिटिव साइड, पॉजिटिव साइड एंड पॉजिटिव साइड। एक और पॉइंट मैं आपको यहाँ पे क्लियर कर दूं कि जितनी नोड्स होंगी उससे ज़्यादा एक कर्व होगा। कैसे, वन टू थ्री फोर फाइव, नोड्स कितनी है फोर, कर्व कितने हैं एक ज़्यादा फाइव। अब ये तो हो गया 5s का, अब आ जाए 5p का बना लें यहाँ पे पहले 5p। 5p में रेडियल नोड्स कितनी है, 5 माइनस 1 माइनस 1, तो कितनी आ गई हमारे पास 4 माइनस 1 3। तो ये 4p ऑर्बिटल की स्लोप की बात करें तो 4p बस सिर्फ और सिर्फ जो फर्क आएगा वो मिनिमम और मैक्सिमम में आएगा। ये p ऑर्बिटल है तो मिनिमम से आएगा, देखिए ये 1 ये 2 ये 3 और ये, देखिए स्लोप डिक्रीजिंग, यहाँ पे स्लोप क्या करी जा रही है, ये स्लोप डिक्रीज कर रही है। इधर आ गया प्लस प्लस और प्लस, ये भी प्लस है, और नोड कितनी, दिस इज वन नोड, ये दूसरी नोड और ये तीसरी नोड। 5s का हो गया, 5p का हो गया, एक बार आप ये नोट डाउन कर लीजिए। अब हम बनाएंगे 5d ऑर्बिटल, तो 5d ऑर्बिटल का ग्राफ किस तरह से है, रेडियल नोड n माइनस एल माइनस वन, तो आएगा 5 माइनस 2 माइनस 1, 5 माइनस 2 माइनस 1, d के लिए l की वैल्यू कितनी है 2, तो आंसर क्या आ जाएगा 5 माइनस 2 3 माइनस 1, तो कितना आ गया 2, यहाँ पे 2 आ चुका है। अब चेक करिए नोड्स, अगर हम देखें ये आ गया 5p ऑर्बिटल का, ये साई स्क्वायर बाय आर का ग्राफ, तो
डी है, डी को मिनिमम से शुरू करेंगे तो बड़ा इजी है, ये आ गई वन नोड, ये आ गई दूसरी नोड और ये मूव कर गया आगे, प्लस प्लस और प्लस। देखिए कैसे स्लोप डिक्रीज कर रही है, नोड्स कितनी हैं टू, ये एक नोड है और एक ये नोड है, तो टोटल नोड वन और ये टू। तो बड़ा ही सिंपल वे से हमने साई बाय आर और साई स्क्वायर आर के ग्राफ्स को सीखा। तो कुछ भी इनमें टिपिकल नहीं है, कुछ भी आप कैसी भी ऑर्बिटल्स आ जाएं आप बड़ी इजीली इनको कर सकते हैं। अब हम थोड़ा सा रिकैप्चुलेट कर लें, रिकैप्चुलेशन के लिए देखिएगा किस तरह से चलेगा, ये सारे पॉइंट्स वन बाय वन हम डिस्कस कर लेंगे। तो एक बार क्लियरली इनको समराइज कर लें, देखिए साई स्क्वायर बाय आर ये वाले ग्राफ्स और ये साई स्क्वायर बाय आर, साई आर और साई स्क्वायर बाय आर, इनके कौन कौन से पॉइंट्स याद रखने, कौन से कॉमन पॉइंट्स हैं कौन से नहीं। पहले हम कॉमन पॉइंट लिख लें, पहला दोनों में आपने रेडियल नोड्स निकालनी है एन माइनस एल माइनस वन, तो इसमें भी ये सेम पॉइंट है। दूसरा जो लेंथ ऑफ ग्राफ है कि कितना आगे मूव करेगा ऐसे, वो किस पे डिपेंड करता है, रेडियल नोड पे। रेडियल नोड पॉइंट याद रखिएगा, एडवांस जेई में बहुत बार ये क्वेश्चन पूछते हैं। तीसरा पॉइंट, तीसरा पॉइंट जो साई बाय आर के लिए स्पेशल पॉइंट है, ये पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों साइड्स पे मूव करेगा, बट इसमें ऐसा कुछ नहीं है, ये सिर्फ पॉजिटिव साइड में ही रहेगा। अब फोर्थ पॉइंट इसमें याद रखने वाला क्या है, इसकी जो स्लोप है ना तो ये डिक्रीज करती है ना ही इंक्रीज करती है, डिक्रीजेस और इंक्रीजेस, ये ना तो डिक्रीज करती है ना ही इंक्रीज करती है स्लोप। बट इस केस में जो स्लोप है, स्लोप ऑफ ग्राफ, जो ग्राफ की जो स्लोप है वो क्या करेगी, डिक्रीज करेगी। यही इनमें मेजर पॉइंट्स हैं, और इनमें एक जो कॉमन पॉइंट दोनों में, फिफ्थ पॉइंट, एस ऑर्बिटल कहाँ से शुरू होगा, मैक्सिमम से, ये भी इधर सेम। पी और डी ऑर्बिटल, ये पी और डी ऑर्बिटल्स कहाँ से शुरू होंगे, मिनिमम से, पी और डी मिनिमम से शुरू होंगे, ये भी सेम है। तो कुछ भी इनमें है नहीं कि ज़्यादा टिपिकल लगे आपको। तो एग्जांपल्स कौन कौन सी हमने लेनी है, एग्जांपल्स में हम 2p ऑर्बिटल लेंगे, 2p ऑर्बिटल, और 2p ऑर्बिटल के दोनों ही ग्राफ्स हम बना देंगे, एक बनाएंगे साई बाय आर का और दूसरा बनाएंगे साई स्क्वायर बाय आर के। तो देखिए गौर से इधर, इसमें हम रेडियल नोड निकालने लगे हैं, रेडियल नोड कॉमन है दोनों में, क्या 2 माइनस 1 माइनस 1, तो इसमें आ जाएगा 2 माइनस 1, क्या आ गया 1 माइनस, ये आ गया 0। तो पहले ग्राफ ड्रॉ कर लें दोनों के, बड़ा ही इजी है, कुछ भी इसमें कॉम्प्लेक्स नहीं है। अब ये पी ऑर्बिटल है, जब पी ऑर्बिटल हमने मिनिमम से शुरू करना है और नोड तो 0 है, तो किस तरह से चलेगी, ये देखिए क्या आ गया, यहाँ पे ये पॉजिटिव साइड रहा क्योंकि नोड ही नहीं है। अगर हम बात करें इधर साई स्क्वायर बाय आर की, साई स्क्वायर बाय आर में ये भी पी 0, तो ये भी ग्राफ जो है वो बिल्कुल सेम रहेगा। तो फ़र्क कुछ भी नहीं पड़ता, बस आपको थोड़ा सा प्रैक्टिस जो का काम है वो बड़ी अच्छी तरह से करना पड़ेगा। तो मुझे नहीं लगता कि इन दो जो हमारी जो वीडियोस हैं साई बाय आर और साई स्क्वायर बाय आर की, जो हमारे पास ये जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशंस हमने सिखाई है आपको, इनमें कोई आपको डिफ़िकल्टी आई होगी या आपने अगर प्रैक्टिस की होगी या आप करेंगे भी साई स्क्वायर बाय आर की, तो इस तरह से ये दो साई बाय आर और साई स्क्वायर बाय आर के हमने जो वीडियोज़ का सारा आपको
जो है जितना भी प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस है या जो भी जैसा भी कॉन्सेप्ट है वो हमने आपको दे दिया। तो उम्मीद करते हैं आपको हमारी वीडियोस अच्छी लग रही हैं, तो सब्सक्राइब करते रहिए और शेयर करते रहिए। थैंक यू वेरी मच।